हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल कलर्स विद कोमल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं ये गुलाब का फूल, वो भी क्रोशिया से। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए देख लेते हैं कैसे बनाया मैंने ये खूबसूरत सा गुलाब का फूल, वो भी क्रोशिया से। तो सबसे पहले हमें कुछ चेन बना लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमें यहाँ पे 57 चेन बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 57 चेन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हमें सेकंड लाइन में 6 चेन काउंट करना है। तो यहाँ से हम 6 चेन काउंट कर लेंगे और छठे चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे। छठे चेन में हम अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे लूप लेकर के, और वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये छठे चेन में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें दो चेन बनाना है। 1, 2 दो चेन बना लिया हमने। फिर से उसी चेन में जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया, उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से 3 चेन काउंट करना है। 3 चेन स्किप करने के बाद तीसरे चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हमने 2 चेन स्किप किया, 3rd चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और उसी चेन में जहां हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से क्या करेंगे, फिर से 3 चेन काउंट करेंगे। 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरे चेन में अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और वहाँ एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना रहे, एक डबल क्रोशिया बना रहे, 2 चेन बना रहे, फिर एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से ये वी शेप में बनता चला जाएगा। इस तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ हमें क्या करना है, 3 चेन काउंट करने के बाद तीसरे चेन में सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हुई। फर्स्ट में हमने सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाया है, 6 चेन बनाया था, तो 3 चेन को हमने एक डबल क्रोशिया मान लिया। अब हम सेकंड लाइन में चलेंगे, सेकंड लाइन बनाएंगे। तो ये जो वी शेप आप देख रहे हैं ना, ये जो वी शेप बना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। ये पहला डबल क्रोशिया बनाया, ये हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें 2 चेन बनाना है। हमने 2 चेन बना लिया, फिर उसी भी शेप में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। ये पहला डबल क्रोशिया बनाया और ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। सेकंड वी शेप में बढ़ते हैं हम। सेकंड चेन में हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया हम एक साथ बनाएंगे। ये हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया, ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना लिया, अब हम फिर से उसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से सेकंड लाइन में 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन बनाया, फिर से 2 डबल क्रोशिया उसी में बनाया। इस तरह से सेकंड लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, कि हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना लिया। अब उसी में 2 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। एक डबल क्रोशिया बनाया, कि हम दूसरा डबल क्रोशिया बना रहे हैं।
इस तरह से हमें ये सेकंड लाइन कंप्लीट करनी है। सेकंड लाइन के लास्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, इस तरह से हमारा सेकंड लाइन कंप्लीट हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह की डिज़ाइन उभर के सामने आई। अब हम थर्ड लाइन में चलते हैं। तो सेकंड लाइन में दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन बनाया था हमने, उसी में हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है थर्ड लाइन के लिए। तो ये 3 डबल क्रोशिया, 4th डबल क्रोशिया, 5th डबल क्रोशिया, 6th डबल क्रोशिया, 7th डबल क्रोशिया, 8th डबल क्रोशिया, 9th डबल क्रोशिया, 10th डबल क्रोशिया, 11th डबल क्रोशिया और ये 12th डबल क्रोशिया। अब इस वी शेप के बाद ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच बनानी है। स्लिप स्टिच बनाया, अब फिर से दो डबल क्रोशिया के बाद जो हमने चेन बनाया सेकंड राउंड में, उसमें हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया, 12 डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद ये जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच बनानी है। स्लिप स्टिच बना लिया, इस तरह से ये थर्ड लाइन हमें कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से डिजाइन उभर के सामने आएगी। ये देखिए इस तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली थर्ड लाइन। ये लास्ट में हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच करना है। सेकंड लाइन में भी हमने स्लिप स्टिच किया था, ये थर्ड लाइन में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा थर्ड लाइन कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरह से डिजाइन उभर के सामने आएगी। अब हमें क्या करना है, एक चेन बनाना है और यहाँ से कट कर देना है, धागे को खींच देना है। ये अब लॉक हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से डिजाइन उभर के सामने आई है। अब हमें क्या करना है, इसे गुलाब की शेप में फोल्ड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और इसे सिलते जाएंगे। इस तरह से हम सिलते चले जाएंगे। पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर उसे सिल लेंगे, उसके बाद फिर फोल्ड करेंगे, फिर सिलेंगे। तो इस तरह से हमारे गुलाब, खूबसूरत सा गुलाब का फूल बनता चला जाएगा। ये देखिए, ये ध्यान देना है कि ये बिल्कुल बराबर से फोल्ड हो, नहीं तो आपका फ्लावर ठीक से शेप में नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना खूबसूरत सा गुलाब का फूल बना के तैयार कर लिया है, वो भी क्रोशिया से। तो बिल्कुल बनाइए इस गुलाब के फूल को क्रोशिया से, और इसकी पत्तियां भी बताऊंगी मैं आने वाले वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लगे हाथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि क्रोशिया के शौकीन इस तरह के बेहतरीन डिजाइन का पूरा फायदा उठा सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।